हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि फुल मून का क्या असर होगा आपके जीवन पर, यानी कि फुल मून के दौरान या फुल मून की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या असर हो सकता है फुल मून का आपके जीवन पर, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों। एक और ज़रूरी सूचना कि व्यूअर्स, मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ओके? तो अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के, ड्रीम टैरो की प्रोफाइल फ़ोटो को कॉपी करके कोई फेक आईडी बना के आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कोई व्हाट्सएप नंबर देता है अगर कमेंट बॉक्स में, तो आप विश्वास ना करें ऐसे फ्रॉड्स और स्कैमर्स का, क्योंकि मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ओके? मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दिए हैं यूट्यूब पर, ओके? आइए चलिए देखते हैं कि फुल मून की वजह से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, ठीक है? आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, डेविल, डेविल का कार्ड देख के डरिएगा मत, ओके, फोर ऑफ कप्स, ठीक है, सॉरी फॉर मूविंग दिस कैमरा, ओके, यस, ये यहां रख देते हैं, ओके, वैसे एनर्जी ऑफ डेक है क्या, मैंने इस बार देखा नहीं, मजिशियन है एनर्जी ऑफ डेक, मजिशियन, ओके, मुझे और भी कार्ड्स चाहिए होंगे व्यूअर्स, जस्ट अ मोमेंट, हम मूनोलॉजी डेक से भी काफी सारे कार्ड्स लेंगे, काफी सारे मतलब क्लैरिफाई करने के लिए। न्यू मून इन लियो, ओके, नॉर्थ नोड, व्हाट्स दिस, कार्ड अनफोल्ड सिर्फ ये वाला हुआ है। तो व्यूअर्स, इस फुल मून आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, देखिए ऐसा लगता है, पहली चीज तो ये व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो किसी फॉर्म में हो सकती है, आपकी खुद की हैबिट्स के फॉर्म में हो सकती है, कोई कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं, कोई ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास हैं, फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे जेलस है, आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से जेलस है, ठीक है? तो कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी नेगेटिविटी आपके अगर पास है तो लगता है कि इस फुल मून के बाद रिलीज होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स या टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी लाइफ से रिलीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो डेविल वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में अब तक थी, एज अ कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में ये एनर्जी बनी हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस फुल मून के बाद सिचुएशन में चेंज आएगा और ये नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है। तो अगर ये नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी लव लाइफ को या आपके करियर को भी अफेक्ट करती थी, तो अब इसका जो असर है वो आपकी लाइफ पर से हट जाएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि व्यूअर्स, आप काफ़ी सारे बोल्ड डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, या किसी और मैटर में भी, चाहे बिजनेस की बात है, जॉब की बात है या कोई और बात है, यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रांग डिसीजंस लेने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है फुल ऑफ
कॉन्फिडेंस, यानी कि आप अगर अब तक कतराते थे या सोचते थे कोई निर्णय लेने से पहले कि आपको डर लगता था कि कोई गलत निर्णय ना ले लें या कुछ ऐसा डिसाइड ना कर लें जिसका असर कुछ गलत हो या कुछ गलत आउटकम निकल कर आए, तो यहाँ पर आप अब कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये फुल मून आपको आत्मविश्वास से भर देगा। यानी कि आप अंडर कॉन्फिडेंट अगर थे चीज़ों को करने के लिए, एक्शंस को लेने के लिए, तो अब आप में कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए थे कि मैं ये करूं या वो करूं, ये चूज करूं या वो चूज करूं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अब एक साथ बैलेंस कर पाएंगे। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन शुरू से थे, आप में वो काबिलियत, वो कैपेबिलिटी शुरू से थी कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक ही समय पर एक ही सिचुएशन में काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना आप स्टार्टिंग से ही कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। तो यहाँ पर लगता है कि अब आप दो चीज़ों को, दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे, और ये एक साथ मैनेज करना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, किसी ड्यूटी के लिए, किसी ऐसे काम के लिए जो दोनों काम इम्पॉर्टेंट हैं और आपको वो मैनेज करने होंगे, लेकिन पहले आप नहीं कर पाते थे। जैसे टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना, खुद को ऑर्गेनाइज ना कर पाना, लेकिन अब आप ये सब कर पाएंगे। ओके मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया था या आपके एफर्ट्स को आपने किसी के लिए एफर्ट्स लिए, किसी को आपने चेज किया, हो सकता है किसी से माफ़ी मांगी हो, किसी को कन्विंस किया हो, किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस किया हो, विच मीन्स इन शॉर्ट आपने किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए, और कहीं ना कहीं आपने अपना प्यार किसी को कन्फेस किया या किसी को ऑफर किया अपना लव, लेकिन किसी ने या तो आपका एफर्ट इग्नोर कर दिया कि आप जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिंपली अवॉइड किया। ये ऐसा हो सकता है कि आपके प्रपोजल या आपके एफर्ट्स को रिजेक्ट किया गया, जिस वजह से आपको एक रिजेक्शन फेस करना पड़ा, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए इंसल्टिंग, डिसरिस्पेक्टिंग सा एक्सपीरियंस था। अब ये बात अलग है कि चाहे उस व्यक्ति ने आपकी इंसल्ट करना चाहा था या नहीं, चाहे आपको डिसरिस्पेक्ट करना चाहा था या नहीं, लेकिन आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई अवॉइड क्यों करेगा। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू वुड सिंपली से नो, लेकिन आप अवॉइड क्यों करेंगे हमारे एफर्ट्स को जो कि आपके लिए ही ले जा रहे हैं। तो सपोज, लेकिन इसमें एग्जाम्पल देने की गुंजाइश है नहीं क्योंकि आप बात समझ गए हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चेंजेस तो आप खुद भी लेकर आएंगे, यानी कि आप ये जो फुल मून है ये आपकी एनर्जीज पर या आपके थॉट प्रोसेस पर ऐसा असर डालेगा कि आप भी काफ़ी चीज़ों से फेडअप हो जाएंगे। जब हम कहते हैं ना, हम बहुत समय से काफ़ी सारी चीज़ों को सह रहे होते हैं, टॉलरेट कर रहे होते हैं कि चलो जाने दो, चलो होता है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, लेट इट बी, चलता है, होता है, ऐसे हम आप कर रहे थे, काफ़ी चीज़ों के लिए ऐसा ही नज़रिया रख रहे थे कि कोई बात नहीं, होने दो। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप खुद भी इन चीज़ों से तंग आ जाओगे, फेडअप हो जाओगे, और फेडअप होकर आप खुद ही काफ़ी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करने के बारे में सोचोगे। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी इसी तरह से रिलीज़ हो कि लोग आपसे दूर जाएं या आपकी आदतें ख़त्म हों अपने आप ही। कभी कभी अगर ये अपने आप भी नहीं है तो हो सकता है आप भी खुद ये एनालाइज़ करोगे कि ऐसा क्या है मेरी लाइफ में जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो ओवरथिंकिंग है तो मैं उसको हटा दूंगा या हटा दूंगी। अगर वो ज़्यादा इमोशनल होना, ओवर एक्स्ट्रा इमोशनल होना मेरी वीकनेस बनता है तो मैं उसको हटा दूंगा। या अगर मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध मेरे ग्रोथ के, मेरे सक्सेस के आड़े आता है तो मैं अपना क्रोध खत्म करूंगा। यानी कि आप खुद एनालाइज करके अपनी पर्सनालिटी को, खुद अपना चिंतन करके अपने जीवन में से उन चीज़ों को निकाल बाहर फेंकेंगे जो आपके लिए किसी योग्य नहीं है, आपके किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, चाहे वो लोग हैं, आदतें हैं या कुछ भी, आप उन्हें अपनी लाइफ से खुद भी हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लगता है। साथ ही साथ मैसेज है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये बात लगती है कि इस फुल मून के बाद आप सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं बनाएंगे, आप एक्शंस भी लेंगे।
बातें नहीं बनाएंगे का मतलब ये नहीं कि अपने प्लानिंग ही नहीं करते रहेंगे कि मुझे ये करना है, एक तो मेरा गोल ये है और एक तो लाइफ में ये चीज़ें करनी है, मरने से पहले मुझे यहाँ यहाँ तो जाना है, ये भी करना है और एक बार तो मुझे अपने घर वालों के लिए ये करना है वो करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है। ओके, ऐसा करिए, ऐसे एक्शंस लेने का वक्त आ जाएगा या आप सोचेंगे कि अब एक्शन लेने का वक्त है, क्योंकि सिर्फ बातें करने से ये चीज़ें सच नहीं होने वाली। यू हैव टू टेक एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट दैट रियलिटी इन योर लाइफ, यानी कि आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो असलियत में, वास्तविकता में आपके जीवन में हो सके, इसीलिए आपको एक्शंस लेने होंगे। और एक्शंस लेने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि प्लानिंग और बातें तो कंफर्ट जोन के भीतर हो सकती हैं, लेकिन एक्शंस और एफर्ट्स आपको कंफर्ट जोन के बाहर आके लेने होते हैं, टू सी द डिफरेंस, टू मेक द डिफरेंस। ओके, आप बदलाव चाहते हैं तो आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। मुझे एक और मैसेज चैनल हो रहा है, ये बात आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा होता है व्यूअर्स कि जब हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में रखते हैं और बाहर जाने से मना कर देते हैं अपने कंफर्ट जोन के, या हेजिटेशन महसूस करते हैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाने से, या कैसा भी महसूस करते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को ही अपनी अपना एक एक जगह बना लेते हैं जहाँ से हटना नहीं चाहते, जहाँ से बाहर जाना नहीं चाहते, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो व्यूअर्स, जो कंफर्ट जोन के अंदर है, सपोज एक रूम है और आप उस रूम के अंदर अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपको लगता है मुझे बस इस रूम से बाहर ना जाना पड़े, ये मेरा मोस्ट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, प्लेस है, मैं यहाँ रह सकता हूँ घंटों तक, बहुत दिनों तक, व्हाटएवर। लेकिन जो व्यक्ति रूम के बाहर है, उसे ऐसा लगेगा कि आपने घंटों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए आप अपने आप को जेल में बंद कर दिया है। सेल्फ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि खुद को ही जेल में बंद कर लेना खुशी खुशी, और अपनी ही आज़ादी को, अपनी ही फ्रीडम को, अपनी ही इंडिपेंडेंस को खुद ही ताला लगा देना। तो ये एक स्टूपिडिटी है जो हम करते हैं, कंफर्ट जोन कह कह के हम अपने आप को सीमित कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि इतना ही कर सकते हैं क्योंकि इतने में ही हम कंफर्टेबल हैं, कुछ और ट्राई नहीं करना चाहते क्योंकि अपने आप को जेल में बंद रखने की आदत हो गई है। तो ये ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको तो लगे कि आप सुकून में हैं, लेकिन पूरी दुनिया को जो आपको बाहर से देख रही है, रूम के बाहर से, उसे यही लगेगा कि आप सिर्फ एक जेल में बंद हैं। फिर चाहे आप कुछ भी कहें, आप ये बोलें कि मैं जेल में सेफ हूँ, ऑफकोर्स आप जेल में सेफ हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप जेल में हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको अपने साथ। यू आर केपेबल, यू आर टैलेंटेड, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। तो ये फुल मून आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाएगा ज़रूर। ओके, हाँ, हो सकता है कि ये मिनटों में ना हो, सेकंड्स में ना हो, ये रियलाइजेशन ग्रेजुअली हो, लेकिन आएगा आपके भीतर। ओके, यहाँ पर आगे मैसेज है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप बोल्डली, यानी बोल्ड होकर, स्ट्रांग होकर, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजंस ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप केपेबल तो हमेशा से थे, ये बात तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कही थी, लेकिन हमेशा से टैलेंटेड होना और अपने टैलेंट को नर्चर करना, प्रैक्टिस करना, यूज़ में लेकर आना, एक अलग बात है। सपोज़ अगर मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे डांस करना आता है, सिंगिंग करना आता है, लेकिन अगर मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करके नहीं रखूँगी, प्रैक्टिस नहीं करूँगी, तो वो टैलेंट वेस्ट है। तो यहाँ पर आप सब कुछ करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन अगर आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो आत्मविश्वास ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप फिर भी वहीं रहेंगे जहाँ आप थे। ओके, तो ऐसा लगता है जैसे अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में आप महसूस करेंगे, ठीक है, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप जो ओपिनियन रखना चाहते हैं वो रखेंगे, जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन भी लेंगे, बिना शर्माए, बिना किसी झिझक के, और बिना ये सोचे कि मेरे ऐसे डिसीजन की वजह से लोग क्या कहेंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप कई बार अपने मन के कपड़े या मन की चीज़ें नहीं करते हैं, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप के आप शूज़ पहन रहे हैं जस्ट बिकॉज के लोगों को लगेगा कि ये स्लिपर्स में यहाँ वहाँ की घूम रहे हैं। तो आप लोगों की चिंता मत कीजिए, जो आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वो कीजिए। ओके, ये स्लिपर्स और ये शूज़ वाला तो बस एक एग्जांपल था। ओके, या यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है ओवरऑल एनर्जी में, तो एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ में आएगा ज़रूर व्यूअर्स। एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर आप उस मैजिक को एक्सपीरियंस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप बदलाव महसूस करेंगे और वही बदलाव आपके लिए मैजिक का वर्क करेगा। ओके,
यस, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, तो मैं स्पेसिफिकली साइंस आपको नहीं बता रही हूँ। ओके, तो ये कुछ बदलाव हैं जो फुल मून की वजह से आपके जीवन में आ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग रिलेटेबल रही है, हेल्पफुल रही है। इस रीडिंग ने थोड़ा बहुत आपको गाइड किया है। अगर अगर 1% भी गाइड किया है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और कमेंट करके बताएं एक्यूरेटली रेजोनेट हो रही है या सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट हो रही है, ये बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रही। आई एम ओपन टू द फीडबैक। ओके, आप जो भी आपका फीडबैक है आप दीजिए। ओके व्यूअर्स, यस, मैंने सोचा है कि हम इस टॉपिक पर भी रीडिंग करें कि देखते हैं कि ये फुल मून जो होगा उसके बाद आपके लव लाइफ में क्या असर होता है, आपके जो पर्सन है उन पर क्या असर होता है। ये टॉपिक मैंने सोचा है, इस पर कल बनाएंगे। ओके, रीडिंग बनाएंगे कल इस पर, तो देखिएगा जरूर। ठीक है व्यूअर्स, और हाँ एक और ज़रूरी सूचना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि मैं आपको इस चीज़ के लिए अवेयर करती रहूँ। ओके व्यूअर्स, मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अगर कोई ड्रीम टैरो की फेक आईडी बना के, प्रोफाइल पिक्चर ड्रीम टैरो की कॉपी करके आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करता है तो वो एक स्कैमर है, एक फ्रॉड है। आप ऐसे किसी कमेंट का विश्वास ना करें, क्योंकि मैंने वीडियो में डिस्क्लेमर भी लगा दिया है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी साफ साफ लिख दिया है, और वीडियो में भी मैं आपको ये बात बोलती रहती हूँ, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ओके व्यूअर्स, सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।